दोस्तों, शहनाज गिल के पिताजी पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में खुद उनके पिताजी ने सबको बताया। शहनाज गिल के पिताजी ने बताया कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जब वो शनिवार की शाम को अमृतसर के जंडियाला गुरु इलाके में पहुंचे थे, तब ये घटना उनके साथ हुई। जब कार को साइड में खड़ा किए जाने के बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड ढाबे के पास बने शौचालय गए थे। उन्होंने बताया कि तभी दो लोग उनकी कार के पास आके रुक गए और उन पर फायरिंग करने लगे और 4 राउंड फायर उनकी गाड़ी पर चलाए और फिर भागे। शहनाज गिल के पिताजी ने ये भी बताया कि उस टाइम वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ सवार थे और इस घटना में बाल बाल बचे। उन्होंने ये भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वो उस दिन किसी प्रोग्राम को अटेंड करने अमृतसर से ब्यास जा रहे थे। शहनाज गिल के पिताजी ने ये भी बताया कि जब उनके सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो भागते हुए कार की तरफ आए और हमलावरों पर ईंटें भी फेंकी। फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत ही जंडियाला गुरु पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। दोस्तों, ये थी पूरी खबर, लेकिन उनके परिवार में अब दहशत का माहौल है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने गोलियां दोस्तों चलाई। हमें ये भी पता है कि उनके परिवार से जलने वालों की भी कमी नहीं है और इस हादसे की वजह से उनका पूरा परिवार डर गया है। शहनाज गिल के पिताजी और उनकी फैमिली पूरी हाई सिक्योरिटी में रहती है, फिर भी ये हादसा हो गया। वो तो अच्छा है कि कुछ बड़ी घटना नहीं हुई। जैसे कि हम सबको पता है, शहनाज गिल अभी सिद्धार्थ के चले जाने के गम से भी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई है। और दूसरी ओर ये हादसा, शहनाज फैंस भी ये न्यूज़ सुन के काफ़ी घबरा गए हैं और शहनाज गिल की फैमिली के लिए परेशान हो रहे हैं और यही कर रहे हैं कि सब ठीक रहे और किसी भी तरह का दुख शहनाज गिल की लाइफ में ना आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आगे की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।